वेरी वेरी वॉम वेलकम टू एवरी बडी वेलकम टू यू जी सी नेट आर आ ट्वेंटी फोर सेवन आएम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर एशवार यापुरी वेलकम टू माई क्लास जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे नेट की डेट्स आ गई हैं फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री साइकिल मैंने ऑलरे इस पर कल एक सेशन ले लिया है आप लोग उसको ज़रूर जाकर देखें अगर आपको स्ट्रैटी के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस लेनी है तो उसमें मैंने बेसिकली यही डिस्कस किया है कि कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए आपका जो मन करे ना करे आपको कोई कुछ बोले ना बोले आपने दोनों फॉर्म्स भर के आने हैं आपने फेबररी वाला अटैम्प भी देना है आपने जून वाला अटैम्प भी देना है फेबर वाला अटैम्प भगवान करे आपका जे निकल जाए जून तक पहुंचना ही ना पड़े आपको सिर्फ यू नेट क्वालिफाई करना है फेबररी में आपका नेट निकल जाए वेरी गुड गुड फॉर यू लेकिन आपने फेबर वाले का भी फॉर्म भरना है चाहे आप जून वाले अटेम्प्ट के लिए ही टारगेट कर रहे हैं तो ये आप लोगों को भगवान की तरफ से भेजा फ्री का तोहफा है और ऐसे मुफ्त के तोहफे को मना नहीं करते हैं उसका उसके सामने हाथ जोड़ के उसको अपने घर में बुला के बिठाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है सब लोगों ने ठीक है जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेलकम हाई गाइज वेलकम ठीक है अच्छा आज हम लोग जो है मैं थोड़ा सा ये वाला एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आप लोगों के लिए करवाना चाहती हूँ अलग टिकल पर ऑन कल्चर सो बेसिकली कल्चरल स्टडीज आप सब जैसे कि जानते ही है हमारा इट इज एज अब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो Fields. So we have in this, you know, we understand society, we understand cultures So of course, sociology also plays an important role, anthropology plays an important role, media studies plays an important role, history plays an important role, economics plays an important role, literature plays an important role. So intersection hai in various fields and disciplines ka. Pe jo hai hum us a sociological perspective. Se. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम अभी कल्चर को देखेंगे और उसके अंडर इसकी जो है तीन मेन थियोरीज़ हैं जिसके थ्रू हम कल्चरल स्टडीज़ को जो है समझ सकते हैं अंजलि कह रही है मैम ऐसा लग रहा है 2023 बहुत अच्छा होगा होग सो बिल्कुल बहुत ही अच्छा होगा खूबसूरत साल होगा इसलिए भी होगा इसलिए भी अच्छा होगा क्योंकि टू uh, जीरो टू थ्री को आप ऐड करो तो उसको उसका नंबर बनता है सेवन एंड आई एम अ नंबर सेवन माई बर्थ डे इज ऑन सेवन सो आई एम अ नंबर सेवन एंड सो यू नो आई एम जस्ट टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव थिंग यू नो I'm also number seven. You guys are studying from me or taking my guidance, and two thousand twenty-three is a number seven. So you know it's going to be our year, definitely, definitely. Is positivity? that, we will take our classes ko jo hai Hi, Sandhya. Good afternoon. Welcome. ठीक है तो हम जो है मेजर त्रीन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल परस्पेक्टिव है कल्चर को समझने के लिए अभी तक हम लोगों ने जो हमारे पास रेमन विलियम्स या स्टूअर्ट हॉल के थ्रू हम लोगों ने जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पे कल्चरल स्टडीज़ को एनालाइज किया उसके बाद मैंने आपको माइकल फूको पढ़ाया जो एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पे हम जहाँ पे कल्चर को देख रहे थे विद माइकल फूको माइकल फूको की जो थियोरीज है काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं एज फार एज़ दिस you इज know, uh, यहाँ पे जो अब हम हैं, बहुत ही समझने की कोशिश करेंगे ना? मुझे समझ नहीं आया तो लाइव चार्ट सेक्शन है इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन भी होता है तो कमेंट में आप लोगों ने करना है मैम नेट के लिए कौन कौन सीराज इंपॉर्टेंट है प्लीज बताएं निर्मला सारी इंपॉर्टेंट है आजकल ज्यादा क्वेश्चंस वैसे मॉडर्न एज से आ रहे हैं वर्णा सारी इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ जी आपका भी लकी नंबर सेवन है मंजीत दैट्स ग्रेट हाई स्वीटू गुड इवनिंग हाँ जी ठीक है सो so, ये जो है हमारा कल्चरल स्टडीज का तीन थियरीज हैं जो हमें अपनी इसकी अंडरस्टैंडिंग में समझनी है कल्चर अभी तक हमने बेसिक लेवल पे क्या समझा है मैंने आपको क्या बताया कल्चर को अगर हम अब तक अभी तक नॉर्मल डेफिनेशन की तरह क्या समझते थे इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ हमने लेकिन जब हमने इसको कल्चरल स्टडीज परस्पेक्टिव से समझा लिटरेचर के स्टूडेंट्स बन के हमने इसको समझा तो हमने क्या समझा कि ओवरऑल एवरी दैट वी सी अराउंड अस Every interaction, every ideology, every tradition that is followed, everything that is said and done, how the media presents itself, how advertisements work, okay? how mental institutions work, how hospitals work, how institutions work, any kind of institution, how it, how they work. So all of that, you know, we find in culture. Okay? सो कल्चर इज एवरी थिंग ठीक है ये हमारा ट्रेडिशन है हमारी वैल्यूज है हमारा म्यूजिक है हमारा मीडिया है सब कुछ है लेकिन सोशियोलॉजिस्ट इसको कैसे परसीव करते हैं वो हमें देखना है तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है कल्चरल स्टडीज की उसमें हम एक ओवरऑल मोटे मोटे लेवल पे देखें तो इसको जो है तीन परस्पेक्टिव से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं फंक्शनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट थियोरी एंड सिम्बॉलिक इंटरक्शन ठीक है फंक्शनलिज्म कॉन्फ्लिक्ट थरी एंड सिम्बोलिकल इंटरक्शनिज्म इंटरैक्शंस ऐसे जो है इसको समझा जाता है तो सबसे पहले सबसे पहला देखते हैं फंक्शनलिज्म फंक्शनलिज्म ठीक है functionalism, functionalism, हां जी मैम मेरा सवाल है कि नेट की तैयारी कितने दिन पहले से करनी चाहिए शिवराज अभी से शुरू कर दो <laughs> अभी से शुरू कर दो ठीक है वैसे मैं की बहुत क्लासेस लेती रहती हुँ. वो अलग है आप एक बार यूट्यूब पे टाइप करना ऐश्वर्यापुरी इंग्लिश यूजीसी नेट स्ट्रेटेजी ये टाइप करना तो आपको मेरी वैसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोज मिल जाएंगी वैसे मैं क्लास के एंड में एक बार आपके पॉइंट को एड्रेस कर दूंगी अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे फंक्शनलिज्म व्यू सोसाइटी एज अ सिस्टम इन विच ऑल पार्ट्स वर्क फंक्शनल हम कोई मशीन अगर काम कर रही है हम क्या बोलते हैं उसको कि ये मशीन फंक्शनल है कोई मशीन काम नहीं कर रही है हम क्या बोलते हैं उसको कि ये जो मशीन है वो नॉन फंक्शनल है बेसिकली कोई पुर्जा कोई मशीनरी कोई इंजन जब वर्किंग कंडीशन में होता है चल रहा होता है उसको हम फंक्शनल बोलते हैं है ना तो यहां पे भी जो है फंक्शनलिस्ट व्यू सोसाइटी एज अ सिस्टम इन व्हिच ऑल पार्ट्स वर्क यहाँ पे जो ऑल पार्ट्स वर्क कर रहे हैं वो बेसिकली हम यानी ऑल पार्ट्स यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं टुगेदर एक साथ क्या बोला मैंने आपको इंटरसेक्शन है इंटरप्ले है डिफरेंट डिसिप्लिन का इन कल्चरल स्टडीज है ना तो वही बात वही की वही होगी ना कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर कर रहे हैं ठीक है तो ये सारे डिफरेंट जो इंजन है पुर्जे हैं सोसाइटी के कल्चर के वो एक साथ फंक्शन करते हैं एक साथ वर्क करते हैं टू क्रिएट सोसाइटी एज अ होल ठीक है दे ऑफ्टन यूज ह्यूमन बॉडी एज एन एनोलॉजी एनोलॉजी ये किसकी यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी के जैसे ह्यूमन बॉडी में भी हमारे सारे के सारे इस वक्त मेरी बॉडी में आपकी बॉडी में मल्टीपल प्रोसेसेस साथ साथ रन कर रहे हैं और सबका पर्पज सबका फंक्शन एक ही है कि मेरी बॉडी जो है वो लिविंग रहनी चाहिए चाहे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है चाहे मेरी बॉडी का अब्जॉर्बशन मैकेनिज्म है चाहे हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो चाहे लंग्स जो वर्क कर रहे हैं वो ब्रेन एक्शन दे रहा है वो ये सब चीज़ें मिलके एक ही चीज को चला रही हैं या इनका एक ही मोटो है बॉडी चलती रहे बॉडी जिंदा रहे ठीक है तो वो एनोलॉजी जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये सोसाइटी भी ऐसे वर्क करती है सोसाइटी का हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे दूसरे के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है और चाहे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है या इनडायरेक्टली अल्टीमेटली उन सारे एलिमेंट्स का एक ही पर्पस है कि कल्चर आगे बढ़ता रहना चाहिए सोसाइटी चलती रहनी चाहिए लुकिंग एट लाइफ इन दिस वे सोसाइटीज़ नीड कल्चर टू एग्जिस्ट Cultural norms function to support the fluid operation of society, and cultural values guide people in making choices. As individuals, uh, as part of a population, we make certain choices that will eventually you know, decide the future of the society. So, in order for people

कल्चर हमारे आइडियोलॉजीज़ को हमारे थॉट प्रोसेस को हमारे ओपिनियंस को एक यू नो ग्रुप ऑफ पीपल से दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल तक लेके जाने में मदद करेगा तो मान लीजिए आपका जो कल्चर है आपके फैमिली का जो कल्चर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ठीक है तो फैमिली ने अपनी जो है पूरी एक शान इस बात पे बना रखी है कि हमारे घर में तो ये कल्चर है ये ट्रेडिशन है सो एंड सो एंड सो फोर्थ तो वो ट्रांसमिट कैसे होगा अगर आपने कुछ अपने तौर तरीके कुछ ट्रेडिशंस कुछ वैल्यूज़ क्रिएट की हुई अपनी फैमिली के लिए और आप चाहते हो कि आने वाली कई जनरेशन में वो ट्रांसमिट हो उसके लिए आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा वो सिस्टम जब क्रिएट होगा उसको आप अपनी को उसके थ्रू जो है ट्रांसमिटेबल बना पा रहे हो ट्रांसमिट कर पा रहे हो जेनरेशन बाय जेनरेशन ये फंक्शन है कल्चर का इन सोसाइटी कि कल्चर जो है वो ओपिनियंस को थॉट्स को थॉट प्रोसेसिस को फ्लूडिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि एक लार्ज यू नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में थॉट प्रोसेस ओपिनियंस वैल्यूज एथिक्स जो है ट्रांसमिट हो सके ठीक है जस्ट एस मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी वर्क टूगेदर टू फुलफिल अटीज नीड्स कल्चर एग्जिट टू मीट्स इट्स मेम्बर्स एंड सोशल इट्स मेम्बर्स सोशल एंड पर्सनल नीड्स कल्चर जो है एग्जिस्ट करता है पर से ताकि लोगों के जो ये जैसे मैंने आपको बोला कि एथिक्स मॉरलिटी वैल्यूज़ ठीक है ट्रेडिशंस ये सारी चीज़ें ताकि जो है क्योंकि इन चीज़ों से हमारी लाइफ चलती है ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ से हटा लें तो हम जानवरों के बराबर ही हो जाएंगे हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा तो हम अपनी लाइफ में जो है राइट चॉइसज क्रिएट कर सकें और हमारे पास एट हैंड चॉइसिस हों उसके लिए भी कल्चर का एग्जिस्ट करना जो है बहुत ज़रूरी है और जब तक अगर कल्चर एग्जिस्ट करना बंद कर गया तो उस दिन सोसाइटी की मशीनरी सोसाइटी का फंक्शनैलिटी भी ख़त्म हो जाएगा ठीक है uh, और एक क्लास ऑर्गेनाइज कीजिएगा मैम प्लीज़ क्लास के साथ पी वाई क्यू सिलेक्शन ओके ओके ठीक है आई ट्राई सूरज हाँ जी सो दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज फंक्शनलिज्म फंक्शनलिस्ट आल्सो स्टडी कल्चर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज अफकोर्स फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज़ हाईली वैल्यूड इन द यू एस ठीक है जनरली एक एग्जाम्पल जो है कई स्पेसिफिक ये जो अप्रोच है काफ़ी ज्यादा यू नो अमेरिकन अमेरिका सेंट्रिक है इसमें इन थियोरीज में जो एग्ज़ाम्पल्स भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा वो अमेरिका सेंट्रिक हैं हाईली ठीक है सो एजुकेशन so, uh, जैसे कि है यूएस में जो है वैल्यू की जाती है आगे लेकिन ये लोग इसका भी एग्ज़ाम्पल देंगे कि यूएसए में किस तरीके से एजुकेशन को मॉडरेट भी किया जाता है वो भी हम आगे नेक्स्ट अपनी थ्योरी में पढ़ेंगे द कल्चर ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग मटेरियल कल्चर सच एज क्लासरूम्स टेक्स्ट बुक्स लाइब्रेरीज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ठीक है एंड देन नॉन मटेरियल कल्चर सच एज स्पेसिफिक टीचिंग अप्रोचेस ठीक है डेमोस्ट्रेट हाउ मच एम्फोसिस इज प्लेस ऑन द वैल्यू ऑफ एजुकेटिंग अ सोसाइटीज में सर्टन आप किस चीज में अपनी वैल्यू जो है डाल रहे हो किस चीज को वैल्यू कर रहे हो तो आप उसकी तरफ मटीरियल और नॉन यू नो क्या कहते में, course, वही हो जो आपको से दिख रही उसको आप टच कर सकते हो टैंजेबल हैं जो और जो नॉन टैजेबल चीजें हैं यानी कि जो अप्रोचेस हैं टू स्टडी थियोरीज हैं टीचिंग की टीचिंग मेथड है टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं ये सारी हमारी क्या हो गई नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स हो गए तो एजुकेशन के कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है क्या किया जाता है अच्छे अच्छे स्कूल्स बनाए जाते हैं अच्छे अच्छे क्लासरूम्स क्रिएट होते हैं अच्छे अच्छे टीचर्स रिक्रूट होते हैं ज़्यादा इफेक्टिव मेथड में टीचर्स को टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ताकि टीचर ज़्यादा इफेक्टिव मेथड से जो है नॉलेज uh, को कन्वे कर सके तो आपको आप जिस चीज़ पर वैल्यू प्लेस कर रहे हो आप उसके अराउंड एक कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करोगे उसका कल्चर क्रिएट करने के लिए आप उसमें जो है टेंजबल और नॉन टैंजबल एलिमेंट्स का इनपुट डालोगे कि वो जो कल्चर है वो प्रोलिफरेट कर सके इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ एजुकेशन कंसिस्टेड ऑफ ओनली प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस इन समी मटेरियल विदाउट दी अदर एलिमेंट्स दैट वुड डेमोस्ट्रेट दैट द कल्चर प्लेस इज अ लोअर वैल्यू ऑन एजुकेशन ठीक है जैसे कि मैं हमेशा मैं मैं हमेशा ये बात एग्जाम्पल में देती हूँ अपने वेर आई सेट विद माई कॉलीग्स एंड स्टाफ तो मतलब मेरी लेट होने की बीमारी का तो खैर सभी को पता है आप लोगों को भी पता ही है और uh, मतलब <laughs> मैं थोड़ा सा मतलब क्लासेस के बीच में एक्चुअली टाइम कम होता है तो ब्रेकफास्ट भी फिर यहीं करती हूँ लंच भी यहीं करती हूँ क्लास भी बन रही होती है साथ साथ तो थोड़ा सा साई आई एम वेरी सॉरी आई आई ऑब्वियसली नो कि लेट होना अच्छी बात नहीं है बट आई आई कीप ऑन आई 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 ट्राई टू इट बट देन ऑलवेज मैं बहुत तारीफ करती हूँ आप लोगों की इस मामले में मेरे कॉलीग से कि मेरा नेट वाले जो मेरे लर्नर्स हैं सारे के सारे ये इतने कमाल के लोग हैं इनमें इतना जज्बा है पढ़ने का ये इतना सीरियस कमिटेड लोग हैं पढ़ाई के लिए कि मैं लेट आती हूँ उनको पता है पर ये वेट कर रहे होते हैं ये बैठ के खुद में चट करते हैं तब सारे के सारे एक दूसरे से तैयारी एक दूसरे की तैयारी पूछते हैं एक दूसरे को गाइड करते हैं तो आप लोगों ने भी यहाँ पे क्या किया हुआ है आप लोगों ने ने भी यहाँ पे चैट सेक्शन में ये जो हम लोगों ने अपना एक छोटा सा एक एक कम्यूनिटी क्रिएट कर लिया है फैमिली क्रिएट कर ली है आप लोग एक्चुअली यहाँ पे एजुकेशन का कल्चर जो है क्रिएट कर कर रहे हो कर दिया है ठीक है तो यू you नो know, मेरे आने से पहले ही जो है आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो आपके कितने अटैम्प्ट हो गए आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया ऑल द बेस्ट एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हो सो ऑन एंड सो फोर्थ तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये 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 है कल्चर क्रिएशन तो आप उसी चीज़ का कल्चर क्रिएट करोगे जिसमें आप जिस चीज़ को आप वैल्यू करोगे है ना आप जिस चीज़ को वैल्यू नहीं करोगे आप उसका कल्चर नहीं क्रिएट कर सकते राइट right? जैसे कि स्पोर्ट्स को लेके कहते हैं जो कंट्रीज़ स्पोर्ट्स को इनहेरेंटली वैल्यू करती है वो वैसा कल्चर भी उसके अराउंड जो है क्रिएट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में जो है स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे uh, Uh, क्या कहते हैं फ़ंडिंग्स uh, मिले स्कूल्स को कॉलेजेस को इंस्टीट्यूशंस को ताकि लोग जो हैं स्कूल कॉलेज से ही स्पोर्ट्स को पिकअप करें बच्चों को एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स आवर दिया जाए ताकि पढ़ाई का भी ना नुकसान हो पेरेंट्स को भी ना ख़राब लगे स्टेट की तरफ से फंडिंग्स मिलती हैं उन लोगों को जो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट जितने ज़्यादा अच्छे कोचेस को इम्प्लॉय करेंगी जितने ज़्यादा फोकस फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर डालेंगी उतना ही वो कंट्री जो है स्पोर्ट्स में अपना जो परफॉर्मेंस है इंटरनेश लेवल पे शो कर पाएगी ठीक है तो वही कंट्रीज जो हैं स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा ज्यादा आगे होंगी जो ऑफ़ कोर्स उस चीज को इनहेरेंटली वैल्यू कर रहे हैं उसको सिर्फ एक हॉबी मान के नहीं चल रहे हैं ठीक है आप उसी चीज का कल्चर क्रिएट करते हो जिसके आप वैल्यू करते हो तो वैल्यू का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन द क्रिएशन ऑफ कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हाँ जी मैम हमने यूजीसी का बैच लिया है उसमें एक सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली फोर्टी वन विडियो है एक में अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी सेवन बस उतना ही है मैम वो फोर्टी फिफ्टी सेवन फोर्टी वन अप्रोक्सीमेटली नाइनटी एट सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर सेप्टेंबर हाँ इतनी ही होंगी गरिमा इतनी ही होंगी क्योंकि सेप्टेंबर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर चार महीने सितंबर से बात चल रहा है ठीक है और इसमें मैंने इसमें हमारा जो है मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है वीकेंड्स तो आप सारे हटा लो ठीक है उसके बाद बीच में छुट्टियां वुट्टियाँ भी कितनी आती रहती हैं वो सब छुट्टियां भी हुई हैं मेरी छुट्टियां हर महीने में एक एक दो दो छुट्टी लेती हूँ वो हटा लो तो इतनी ही क्लास होंगी आई थिंक यही होगा आपका ये अब तक सेप्टेंबर से, से लेके अब तक की सारी रिकॉर्डिंग्स हैं है बेसिकली मेरी क्लास की ना और अभी आप मेरी क्लास में लाइव आ सकते हो ये रहेगा ठीक है हाँ जी चलिए तो ये है कल्चर का क्रिएशन फंक्शनलिस्ट के थ्रू फंक्शनलिस्ट व्यू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कल्चर एज सर्विंग मेनी फंक्शंस। ठीक है कल्चर का जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो अलग अलग फंक्शन अलग अलग रोल प्ले कर रही है सोसाइटी में हैविंग मेंबरशिप इन सब कल्चर और काउंटर कल्चर ब्रिंग्स ब्रिंगी एंड सोशल एंड बेनिफिट्स द लार्जर सोसाइटी प्रोवाइडिंग प्लेस फॉर पीपल टू शेयर सिमिलर आइडियाज ठीक है आप एक अनजानी जगह पे जाते हो आप किसी से कॉन्वर्जेशन करनी शुरू करते हो जिस इंसान के साथ आपके थॉट्स मैच हो रहे हैं ऑब्वियसली उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप भी डिवेलप हो जाती है और जिस इंसान के साथ आपके थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं आप उस इंसान की तरफ मुड़ के भी

कन्फेस्ट करने में हेल्प करता है जिससे लोगों के बीच में क्या कैमराडी क्रिएट होती है फ्रेंडशिप क्रिएट होता है बॉन्ड क्रिएट होती है और अगर एक सोसाइटी के इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे वो सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती अगर एक सोसाइटी के मेम्बर्स एक दूसरे के साथ स्मूदली ब्रदरली फीलिंग्स के साथ फटर्निटी की फीलिंग्स के साथ जो है पीस की फीलिंग के साथ रहेंगे वही सोसाइटी आगे जो है प्रोग्रेस करेगी तो कल्चर बेसिकली वो मीडियम प्रोवाइड करता है एक सोसाइटी के जिसके थ्रू लोग अपने आइडियाज आइडियोलॉजीज, वैल्यूज, एथिक्स को शेयर कर सकते हैं उसके बेसिस है माहौल बनता है जो सोसाइटी की इफेक्टिव फंक्शनिंग में हेल्प करता है ठीक है ये फंक्शनलिस्ट है का व्यू द नेक्स्ट व्यू इज बायफ्लिक कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट एसेंशियली जो भी हम अपना मार्क्सिज्म मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म देख रहे हैं ठीक है लेफ्टिस्ट क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, ठीक है जो सारा मोड्स, एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है वो जनरली ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से ही निकल निकलता है कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी ही है ये क्योंकि इनका जो है बेसिकली ये मानना है इन लोगों का ये मानना है कि असेंशली जो है कल्चर uh, जो है वो उसकी क्रिएशन या उसका जो प्रोपोगेशन है वो इनहेरेंटली इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डिफरेंस ऑफ पावर है मैंने आप लोगों को जब माइकल फूको सिखाया था तब भी मैंने आपको यही बताया था तो माइकल फूको का भी यही कहना था हमने माइकल फूको की जो पावर वाली और नॉलेज वाली जो क्लास कर ली है उसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था कि पावर हर मोड पे हर फॉर्म में हर पॉइंट पे अनस्टेबल है क्योंकि रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी ठीक है तो ध्यान रखिए इस बात को कि पावर हम जनरली लिटरेचर में हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन थियोरिस्ट से ठीक है आप रेमन विलियम्स जी उठा लो आप माइकल फूको ही उठा लो ये सारे के सारे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजिस्ट थे लेफ्टिस्ट थे ये लोग और लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो है असेंशली वो पावर स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लासेस एंड मोड मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे अपनी थियोरी को बेस करती है और ये जो थियोरीज हैं ये असेंशली जो है डिफरेंस ऑफ पावर

based on power differentials related to issues like class क्लास के मैटर पे जेंडर के मैटर पे रेस के मैटर पे एज के मैटर पे अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक कॉन्फ्लिक्ट थरिस्ट ही हूँ क्योंकि मेरा भी असेंशली ये मानना है कि इक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हम एक बहुत ही आइडियल यूटोपियन वर्ल्ड की तरफ बढ़ने की कोशिश करते तो हैं पर इक्वालिटी असेंशली आ ही नहीं सकती है सोसाइटी में वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगी किसी भी पॉइंट पे मतलब कोई ना कोई जो है एक से दूसरे के ऊपर दूसरे से तीसरे के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमारे पेपर में नेट के पेपर में ज्यादातर जो थियोरिस्ट जिनपे से सवाल बनते हैं कल्चरल थियोरी के मार्क्सिज्म के बनते हैं वो सारे इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थरिस्ट हैं वो सारे के सारे कि पावर स्ट्रगल के ऊपर जो है वो अपनी थियोरीज को जो है बेस करके रखते हैं ठीक है मैटर यहाँ क्या है इशू ऑफ प्रिवलेज

रूल्स का रिप्रोडक्शन उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा रूल्स का फॉलो करना है कि आपने एक जनरेशन में रूल्स फॉलो करवा दी अगली में आप करवा नहीं पाए वो भी आपका फेलियर फेलियर कहलवाएगा इसलिए रूल्स जो है या नॉर्म्स जो हैं उनको आपको प्रोपोगेट करना है वो भी आपको मैंने मेथड्स बताए थे कंडीशनिंग होती है नॉर्मलाइजिंग होती है आप लोगों के मन में कंडीशन कर देते हो रूल्स को नॉर्मलाइज कर देते हो वो इंटरनालाइज कर लेते हैं उन थॉट प्रोसेस को और ये सारे जो इंटरनलाइजेशन है ये डोमिनेंट डोमिनेंट आइडियोलॉजी है डोमिनेंट आइडियोलॉजी को री किया जाता है इंडिविजुअल्स में ताकि वो उसको इंटरनलाइज कर ले और वो उनके लिए जो है नॉर्मल बन जाए वो उनके लिए नॉर्म बन जाए ठीक है तो कॉन्फ्लिक्ट थियरीज का कहना है कि हम स्कूल कॉलेजेस को भी एसेंशियली स्कूल कॉलेज भी वो इंस्टीट्यूशन uh, हैं जो पावर जो रूलिंग क्लास है वहां पे अपने तरीके से जो है आ, पावर को प्रोपोगेट करवाने में हेल्प करती है कैसे आ, लोगों को बच्चों को स्टार्टिंग से ही कंडीशनिंग देके उस चीज़ की इसको हम लोग लिटरेचर में इसको हम लोग आ, जब हम लोग आगे लिटरेरी थियोरी पढ़ेंगे हम लोग मार्क्सिज्म पढ़ेंगे अल्थूज़र पढ़ेंगे ग्रामसी पढ़ेंगे तो एल्थूज़र में उस वक्त हम लोग बात करेंगे अबाउट आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेट्स सो so, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटिस में कुछ यही वाली बात हो रही है कि आप जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस हैं वो बेसिकली आपकी वो फैक्ट्री है वो मशीनरी है वो इंजिन है जहां से आप अपनी डोमिनेंट सोशल आइडियोलॉजी को जो है प्रोपोकेट करवाते हैं द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसिस ऑफ सर्टन ग्रुप्स दो बेस्ड अपॉन रेस सेक्स और क्लास फॉर इंस्टेंस और दो पोर्ट्री द डोमिनेंट कल्चर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिस्ट्री ये हम बात अभी कर भी रहे थे रिसेंटली कहीं पे और ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है शशि थरूर जब जाते हैं लंदन जाते हैं ऑक्सफोर्ड में जाके इंटरव्यूज देते हैं वहां बैठ के वो उनको क्या बोल के आते हैं तो उनका लहजा तो बहुत ही खूबसूरत होता है बात करने का उनकी वोकेबुलरी भी इम्पेकेबल होती है लेकिन वो बात क्या कर रहे होते हैं वो बेसिकली भिगो भिगो के मारते हैं वो अंग्रेजों को वो बोलते हैं आपने अपने स्कूल कॉलेज में बच्चों को बताया ही नहीं आपने हमारे देश में आके क्या किया है कितने लोगों की जान ली है आपने कैसे हमारी पूरी जीडीपी जो है मिटा दी आपने पूरी हमारी इकोनॉमी ख़त्म कर दी कहाँ फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी में वन ऑफ द हाइएस्ट जी वाला नेशन था इंडिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट प्रोलिफिक जो है इकोनमीज थी हमारी पूरे वर्ल्ड में आपने इस तरीके से हमारे रिसोर्सेस का ड्रेन कर दिया और खुद आप जो है वर्ल्ड के सुपर पावर बन गए इन द विक्टोरियन एज इन द सेंचुरी आपने तो अपने स्कूल के बच्चों को ये सब पढ़ाया ही नहीं है ही का हीरा आपके पास कैसे आया है वो तो आपने अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है आपके कितने सारे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ है उसके बाद आपने जो अपने रूल्स से यहाँ सेटअप किए हैं आपने कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमारे देश में किए हैं ये तो आपने अपने देश के लोगों को बताया ही नहीं आप अपने तो बच्चों को उनसे कोई पूछे स्कूल के बच्चों को ब्रिटिश बच्चों को कि तुम्हें पता है कि इंडिया में आके या फॉर दैट मैटर एनी अदर कॉलोनी दैट दे सेट अप इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल पे हुआ था ब्लडशेड कितना हुआ था मर्डर्स हुए थे रेप्स हुए थे ह्यूमन राइट्स क्राइम्स हुए थे uh, तो आपने कभी अपने स्कूल में बच्चों को ये बातें पढ़ाई हैं डोमिनेंट आइडियोलॉजी आगे प्रोपोगेट करती रहे इसके लिए छोटे होते से ही बच्चों को एक तरीके की नॉलेज बेस का कंडीशनिंग दे दो ठीक है कि बच्चों को बचपन से जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो बड़े होकर वही चीज़ मानेगा ठीक है तो डोमिनेंट uh, आइडियोलॉजी को पास ऑन करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो अपने नरेटिव में उन्हीं फैक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी को आगे पहली बार तो मेंटेन करने में करंटली और फ्यूचर में प्रोपोगेट करने में जो है हेल्प करेगा और जो नरेटिव आपके डोमिनेंट आइडियोलॉजी के ऊपर नेगेटिव लाइट थ्रो करेंगे आप उसको कॉन्शियसली जो है इरेज कर दोगे ये जो है बताया जाता है मैम यू एज यू सेट कॉन्फ्लिक थियोरी टॉक्ट अबाउट अनईक्वल सोसाइटी बट डू दे अग्री विद दिस अन इक्वालिटी इन द सोसाइटी अफकोर्स गोपेश दैट इज देंट्रल पॉइंट ना दैट इज देंट्रल पॉइंट अनइक्वल सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं

डोमिनेंट होती है और उसको प्रोपोगेट करने के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एंड मैकेनिज्म्स को यूज करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनमें से एक हैं सूरज बहुत ही बढ़िया बात कही भाई अभी बीच में 55 लाइव व्यूअर्स थे लेकिन आ, लाइक्स वीडियो पे हैं सिर्फ 30 ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई जरा लाइक्स बढ़ा दो बड़ा मजा आ जाएगा मुझे भी आज तो 40 45 लाइक्स होने चाहिए क्लास में ठीक है हाँ जी मैम प्लीज़ टेल अबाउट योर पेड कोर्स श्योर जी तू हाँ मैं अपने नोट्स में से ही पढ़ाती हूँ बाबा मैं अपने ही नोट्स प्रोवाइड करती हूँ तो आपको मेरी पुरानी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी लाइव क्लास में ज्वाइन कर लेना नोट्स भी मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगी आपको नोट्स भी पुराने मिल जाएंगे ठीक है श्योर कोमल कोमल श्योर श्योर मैम मैंने आपकी यूपी पीजीटी क्लास की यूट्यूब पर सेव करके उसके नोट्स बना के पढ़ती हूँ मैम अरे थैंक यू थैंक यू सत्यम थैंक यू सो मच आई एम वेरी ग्लैड थैंक यू हाँ जी चलिए तो कॉन्फ्लिक्ट थे, थियरिस्ट का जो है ये मानना है तो वो वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ठीक है वो सारे एग्जाम्पल्स यहां पे जो है कुछ स्टेटेड है एट द कोर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थोरी इज द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड मटीरियलिज्म क्या बोला था मैंने क्या बोला था जो भी हमारा लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म है उसके सेंटर पे क्या है इकोनॉमिक प्रोडक्शन कि सोसाइटी में हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है क्या चल रहा है और मटेरियलिज्म ठीक है मटेरियल पोजेशन वेल्थ रिसोर्सेज एटसेट्रा डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी इन रिच नेशंस वर्सेस द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन इन पुअर नेशंस ठीक है तो अगर हम नॉलेज वाले पोर्शन को अपने इस मोड ऑफ प्रोडक्शन वाले से इंटरसेक्ट करके देखें तो हम देखेंगे वो नेशंस जहाँ पे एजुकेशन जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है एजुकेशन जो है फ्यूचरिस्टिक डिसप्लिन में फोकस कर रही है ठीक है वो वाली जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनमें आपने जनरली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी तो आपका नॉलेज बेस आपको मदद कर रहा है फ्यूचर के मटेरियल्स और वेल्थ क्रिएट करने का ठीक है और वो नेशन जहाँ पे उस तरीके की एजुकेशन बेस नहीं है वो नेशन ऑटोमेटिकली जो है टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इस मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे सो कॉन्फ्लिक्ट थरीज बिलीव दैट अ सोसाइटी सिस्टम ऑफ मटीरियल प्रोडक्शन हैज एन इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द कल्चर ठीक है वही बात असेंशली वही बात मार्क्सिज्म वाला जो पॉइंट है कि मार्क्सिस्ट जो है सारा का सारा जो बेस है वो अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन मीन ऑफ प्रोडक्शन पे ला देते हैं कि आपकी सोसाइटी अपने मटेरियल्स और अपने रिसोर्सिस को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है किस तरीके से आप जो है अपने मटीरियल्स को प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी सोसाइटी में वो आपका ओवरऑल कल्चर क्रिएट करेगा पीपल हु हैव लेस पावर ऑल्सो हैव फ्यूअर ऑपरचुनिटीज टू अडेप्टू कल्चरल चेंज ठीक है पावर होना बहुत ज़रूरी है पावर हायर में ऊपर होना जो है बहुत ज़रूरी है अगर आप पावर हायर में ऊपर रहेंगे तो आप जो है कॉन्स्टेंटली उस फ्लूडिटी में रहेंगे जैसे कि पीछे हमने फंक्शनलिज्म में देखा आप कॉन्स्टेंटली उस फ्लूड मेट्रिक्स के पार्टिसिपेंट बन के रहेंगे जहां पे आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं ठीक है आइडियोलॉजी तभी बन सकती है देखो आइडियोलॉजीज तभी बन सकती हैं आप उन आइडियोलॉजीज में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो आप ट्रेडिशन uh, और वैल्यूज़ को तभी प्रोपोगेट कर सकते हो अगर आपकी जो बेसिक लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट कर रही हैं अगर आपके सर पे छत नहीं है अगर आपके पास खाने को खाना नहीं है तो आइडियोलॉजी वाइडियोलॉजी सब भाड़ में जाएगी सो ओनली वेन यू यू आर नॉट डिपेंडेंट On your survival, only when you know that your basic, all your basic requirements are being met as a human being in a society, th Only then does it leave you with that bandwidth to be able to participate in culture and cultural practices. इसलिए nations that have you know fewer, less power, okay. Th this this is something that I am not saying. This is something that. यू नो दिस ही दे देहासेंग कल थियरिस्ट आसेंग दया सिंग कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट का कहना है कि uh, पर पर इसको मिक्स करके चलो ये 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 इंडिविजुअल अप्रोचेस हैं ऑब्वियसली ऑब्वियसली हर इंसान का व्यू एक लिमिटेड uh, होता है चीज़ों को देखने में हर इंसान जो है थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू लेके नहीं चल सकता चीज़ों का ऐसा नहीं ऑब्वियसली जो देश मान लो अफ्रीकन काफ़ी सारे ऐसे नेशन हैं जो मटीरियली वेल्थ वाइज काफी पिछड़े हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे वहां पे उनके खुद के अपने कल्चर्स हैं ट्रेडिशन हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं ठीक है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेल्थ के बेसिस पे आप कल्चरल पार्टिसिपेशन की जो है बात करोगे इनका लेकिन जो सेंट्रल आइडिया वो ये है वो ये है कि आप ओपोजिंग आइडियोल को लेके तभी ओपन हो सकते हो अगर आपके पास इतना बचा है ठीक है आ, कि आपका ब्रेन उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाए वरना अगर आप बेसिक लेवल पे ही आपके पास खाने की दिक्कत ही हो रही है आपके पास रहने की दिक्कत हो रही है कौन सा कपड़ा पहनने इसकी दिक्कत हो रही है फिर तो आप इन यू नो इन एक्टिविटीज you know, में इन थॉट प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे ठीक है ना हाँ जी हेलो मैम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं प्लीज़ सजेस्ट एस शर्मा मैं पढ़ाते हुए मैं पढ़ाते हुए इसी अप्रोच से पढ़ाती हूँ uh, मेरे पुराने मेरे स्टूडेंट्स जो रेगुलरली मेरी क्लास ले रहे हैं वो आपको बताएंगे एन का कॉन्सेप्ट एक बार जरा सब बच्चे जो मेरी क्लास में कब से आ रहे हैं वो एन का बता दें एन की फुल फॉर्म क्या होती है <coughs> मैं एन करके पढ़ाती हूँ बच्चों को एन क्या है और इसका फ़ायदा कैसे मिला मेरे स्टूडेंट्स को ये भी वो ये लोग बताएंगे ठीक है तो चलिए एन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है लेकिन नेट इतना वास्ट है ना बाबा है ना नेट एस शर्मा इतना वास्ट है कि आ, मैं ऐसे लिस्ट नहीं बना के दे सकती आपको जैसे ग्रोसरी लिस्ट बना देते हैं ठीक है तो ये कोई प्लीज़ मुझसे मत पूछा करो कि भाई एनएफटी की लिस्ट बना के दे दो आप मेरी क्लास में आओ आप पढ़ो मुझसे मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बताऊंगी क्या ज़रूरी है क्या नहीं वैसे भी जो ज़रूरी नहीं है वो मैं पढ़ाती नहीं हूँ ये आपको पता ही है मैं आपको बोलती हूँ कि पूरा सिलेबस तो हम नहीं करेंगे कोई नहीं करता है पूरा सिलेबस हम उतना करेंगे जिससे सिलेक्शन होगा हम वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस रखते हैं वेरी गुड नेट फेवरेट टॉपिक एप्सल्यूटली तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो एन पे ही बेस्ड है मैं पढ़ाती ही वो हूँ जिसके हाई चांसेस होते हैं पेपर में आने के ठीक है हाँ जी तो ये जो है थियरी किसकी है व्यू थियोरी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनलिज्म है ना फंक्शनलिज्म हमने जो पहले पढ़ा था वो और ये वाला जो व्यू है कल्चर को समझने का बिल्कुल ऑपोजिट है वेयर फंक्शनलिस्ट वेयर फंक्शनलिस्ट वुड सी द पर्पस ऑफ कल्चर यू नो एज हेल्पिंग इंडिविजुअल्स नेविगेट थ्रू लाइफ इन सोसाइटीज रन स्मूथली कॉन्फ्लिक्ट थोरीज बिल्कुल उल्टा समझते हैं दे एग्जामिन सोशो कल्चर स्ट्रगल्स इंक्लूडिंग द पावर एंड प्रिवलेज क्रिएटेड फॉर सम बाई यूजिंग एंड री एनफोर्सिंग अ डोमिनेट कल्चर दैट सस्टेन्स देर पोजिशन एक तरफ फंक्शनलिस्ट क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी के इफेक्टिव चलने के लिए और सोसाइटी में लोगों को एक कैमराडी प्रोवाइड करने के लिए हमें इन, हमें जानवरों से अलग बनाने के लिए कल्चर की ज़रूरत होती है और uh, कर, कॉन्फ्लिक्ट थियोरी का कह रहे है? नहीं कल्चर तो वो एक शैम है छलावा है दिखावा है जो रूलिंग क्लास ने क्रिएट कर दिया है हमारे लिए ताकि वो अपनी डोमिनेंट आइडियोलॉजी को जो है मेनटेन करके चल सके एंड में आ जाता है फिर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ये है हमारी थर्ड थियोरी ऑन कल्चरल स्टडीज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म इज द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट इज मोस्ट कंसर्न विद फेस टू फेस इंटरक्शन एंड कल्चरल मीनिंग्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी हम लोगों ने जब रेमंड विलियम्स को पढ़ना शुरू किया था हमने उसमें क्या पढ़ा था रेमंड विलियम्स का कहना है कि कल्चर में सिर्फ आप जो है डोमिनेंट आइडियोलॉजी का परस्पेक्टिव नहीं लेके चल सकते हो आपको एट द सेम टाइम जो माइनॉरिटीज़ हैं जो ऑप्रेस्ड हैं जो सब्जियोगेटेड हैं उनके आइडियोलॉजीज उनके कल्चर्स उनके ट्रेडिशंस, उनके वैल्यूज को भी जो है आपको आ, साथ में कैलकुलेट करके जो है चलना पड़ेगा कि आप सिर्फ मेजोरिटी विंस वाली आइडियोलॉजी से जो है कल्चर को नहीं समझ सकते हो ये रेमंड विलियम्स की थियोरी का एक बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है कि एवरी डे शेयर्ड एक्सपीरियंस एवरी इंडिविजुअल्स एवरी डे एक्सपीरियंस काउंट्स यू नो इन क्रिएटिंग कल्चर इन अ वे सो यही जो है सिंबॉलिक इंटरक्शनिज्म में भी है कि एक सोसाइटी के मेंबर्स एक दूसरे के साथ ऑन अ डेली बेसिस फेस टू फेस कैसे इंटरैक्ट कर पा रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे कल्चर को समझने के लिए ये माइक्रो लेवल एनालिसिस है ना माइक्रो लेवल है क्योंकि अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट थोरिस्ट की अगर हम लोग बात करें फंक्शनलिस्ट की वो

ना पावर ठीक है ना कोई डोमिनेंट आइडियोलॉजी वीक आइडियोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूशन्स ब्ला बला बला वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं सोसाइटी ऐसे नहीं चलती कल्चर ऐसे क्रिएट नहीं होता कल्चर तो इससे क्रिएट होता है कि सोसाइटी के हर पॉइंट हर लेवल पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन कैसा है इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं इसको जो है हम लोग बोलते हैं सिम्बॉलिक इंटरेक्शनजम इन दिस परस्पेक्टिव पीपल परपेचुएट कल्चरल वेज ठीक है तो आपका आपका मीन्स या मोड ऑफ प्रोडक्शन आपका मटीरियल रिसोर्स आपके या आपकी डोमिनेंट आइडियोलॉजी आपके कल्चर को नहीं आगे लेके जा रही और दूसरा फंक्शन इसका कहते हैं कि हमने ट्रेडिशंस हैं वैल्यूज़ बनाई हैं कैमराडी बनाई है हम सोसाइटी लेवल पे सोशल लेवल पे मतलब पूरी पॉपुलेशन की पूरी पॉपुलेशन को उठा के फिर हम कल्चर को समझ रहे हैं वो कह रहे हैं वो भी जरूरी नहीं है इन लोगों का कहना है कि भाई हर इंसान का क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर कर रहा है तो वो लोग ही हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स ही हैं सब्जेक्ट्स हैं ऑफ़ द सोसाइटी जो आइडियोलॉजी को या कल्चर को फॉर दैट मैटर प्रोपोगेट करते हैं प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी कॉन्सेप्टुलाइज ह्यूमन इंटरेक्शन एज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ डराइविंग मीनिंग फ्रॉम बोथ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट एंड द एक्शंस ऑफ अदर्स कुछ ऐसा कुछ-कुछ ऑलमोस्ट कुछ, ऐसा हम लोगों ने डायलॉगिज्म में पढ़ा था कुछ ऐसा हम लोगों ने ऑलमोस्ट डायलॉजिजम में पढ़ा था आप लोगों ने होमवर्क किया था इसके ऊपर बाय मिखेल बागतन उसमें भी हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि हमारी जो इंटरक्शन हैं कम्युनिकेशन है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है इट इज एन एवर एक्टिव प्रोसेस इट इज ऑलवेज ऑलवेज वर्किंग इट इज ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर एट एवरी पॉइंट इन टाइम वी आर टेकिंग क्यूज फ्रॉम अराउंड आर सेल्स फ्राम आवर एनवाइ फ्रॉम द पर्सन दैट वी आर टॉकिंग टू वी आर टेकिंग क्यूज वी

करेगा वो है एवरी ऑब्जेक्ट इन एक्शन हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग एवरीथिंग दैट वी डू जैसे लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं लैंग्वेज क्या है रिलेटिव है ठीक है लैंग्वेज भी साइंस से चलती है अभी हम लोग आगे जाके जो है जब uh, Uh, हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत जो है मैं आपको लैंग्वेज थियोरी के ही करूंगी sure, के जो पॉइंट है वहीं से शुरुआत करूंगी स्ट्रक्चरलिज्म की तो वहां पर भी हमने क्या किया है इट होल्ड्स टू इट इट सिंबल बिहाइंड इट है ना सिंबलिज्म से ही हमारी लैंग्वेज भी चल रही है ठीक है सो so, हम जरूरी है वो सिंबल्स का होना टू रिप्रेजेंट

मीनिंग क्रिएट भी कैसे हो रहा है और जब इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में हैं तो मीनिंग्स आगे कन्वे भी कैसे हो पा रहा है है ये जो है इसमें बताया जाता है रिसर्च चेंजेस इन लैंग्वेज ठीक है पर्टिकुलरली ऑब्वियसली सिंबोलिज्म की बात हो रही है साइन की बात हो रही है तो लैंग्वेज कैसे पीछे रह सकता है लैंग्वेज को तो हम यहाँ परस्पेक्टिव में मान के ही चलेंगे ठीक है और आ, ये दे स्टडी एडिशन एंड एलिशन ऑफ वर्ड्स चेंजिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स ठीक है तो लैंग्वेज के ऊपर ही अपनी थियोरी को बेस करते हैं आपके लेक्सिकॉन में कौन से वर्ड्स जोड़े जा रहे हैं कौन से हटाए जा रहे हैं जैसे कि हर साल हर साल जो है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कुछ वर्ड्स जो स्लैंग टर्म्स हैं जो एवरीडे कॉमन स्पोकन में लैंग्वेज है में से उठाते हैं जिनको लोग ट्विटर पे यूज़ कर रहे हैं टर्म्स जिनको लोग इंस्टाग्राम पे यूज़ कर रहे हैं जिस पर लोग हैशटैग बना बना के उसको फेमस कर रहे हैं जो एक्चुअली कायदे से पहले वर्ड्स नहीं है बट वो अभी हैश की वजह से फेमस हो गया है या उसको ट्विटर में किसी चीज़ की वजह से वो फेमस हो गया है तो अक्सर जो है हर साल ऐसी नई एडिशंस जो हैं वो हो रही हैं हमारी डिक्शनरी में तो जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एडिशन कर रहा है वो ये मान के चल रहा है कि अब ये वर्ड्स और इनके साथ जो मीनिंग जो वैल्यू अटैच्ड है जो हिस्ट्री अटैच्ड है इस वर्ड के साथ वो अब हमारे एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज का वो हमारी डेली रियलिटी का अब एक इंटेग्रल पार्ट बन गया है तो इसको हमें अपनी डिक्शनरी में डालना ही पड़ेगा ठीक है ना तो ये है ये है इसका मीनिंग आई एम वॉचिंग यू वीडियो फर्स्ट टाइम मैम अरे थैंक यू सो मच एस के सिंगर थैंक यू सो मच आई एम आई एम ग्लैड यू लाइक द क्लास एंड ये प्लीज प्लीज अभी तक आप में से किसी ने अगर हमारी पेज uh, को सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो प्लीज जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मंडे टू सैटरडे इसी तरीके से हम बहुत इंटरेस्टिंगली जो है नेट की अपनी तैयारी यूट्यूब पे ही कर लेंगे तो ये है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म तो आई थिंक इट्स ओवर आई थिंक और तो हाँ इट्स ओवर क्लास को मैं यही एंड करती हूँ और संडे uh, है संडे में जाते जाते आप लोग होमवर्क भी लेके ही जाओ होमवर्क आप लोग करके ही जाना um, हम लोगों ने रेमन विलियम स्टूअर्ट हॉल खैल बागदिन आप लोग कोई पुराना होमवर्क उठाओ पुराना कुछ हम लोगों ने काफी टाइम से कुछ किया नहीं है ठीक है आप लोग आप लोग करेंगे होमवर्क जुविनेलियन वर्सेस होरेशियन रेशियन तटाय ठीक है ये आपका होमवर्क रहेगा जुविनेलियन वर्सेस हो रेशियन सटायर हो रेशियन सटायर और जुवेनेलियन सटायर में क्या डिफ्रेंस होता है वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे बताना है ठीक है अः पुराना वाला होमवर्क में यूट्यूब आप पे खोल के कमेंट पे चेक करके सबक उसी पे पर्सनली कमेंट कर दूंगी क्योंकि वो ढूंढना पड़ेगा मुझे अभी नीचे और वो नेट भी यहाँ स्लो चलता है थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा उस प्रोसेस में आप लोग मंडे को क्लास के लिए ये होमवर्क करके आएंगे इसको मैं चेक करूंगी ठीक है और आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि क्लास में बैठे बैठे आज फिफ्टी लाइक्स हो गए हैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे शिवानी में होमवर्क नहीं क्वेश्चन नहीं पूछती वट आई डू इज़ दैट यू हैव टू राइट दैट होमवर्क आए रात को सोने से पहले सुबह जब तक आपका होमवर्क आता है मैं एक बार उसको पढ़ लेती हूँ

अभी आई डोंट थिंक फिर जैन फेम में मैं कोई नया बैच लॉन्च कर पाऊंगी बाद में प्रॉबेबली हम लोग फिर जून वाले अटेम्प्ट के लिए कोई क्रैश कोर्स टाइप लॉन्च कर देंगे बाद में कुछ ऐसा रह सकता है ठीक है लेकिन फिलहाल के लिए आपको अगर मुझसे 100 परसेंट डेडिकेटेड अप्रोच से पढ़ाई करनी है उसके लिए आपको आपके पास एक ही बैच का ऑप्शन है फिलहाल मैं ये भी बता दू आज आखिरी आपको वीडियो पे दिख ही रहा होगा आज दो का आखिरी दिन है इकतीस है आज रात तक अगर आप बैच में एनरोल कर लेते हैं तो आप कम प्राइस में बैच

कॉम्बो बैच का इसमें सिस्टम क्या रहेगा हमारे पास रिकॉर्डिंग तो से जो क्लासेस कर लेना और अभी ज्वाइनिंग है ऑप्शन मिल जाएगा पेपर वन का मैं पहले ही बता दू पेपर वन का सिलेबस खत्म हो गया था नवंबर में तो पेपर वन का आपको जो है सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास का ही ऑप्शन मिलेगा अगर इस बीच कोई नया लाइव बैच लॉन्च होने वाला होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है अब बैच में इनरोल कैसे करना है पहले देखो तो डिस्काउंट के लिए याद रखो मेरा कोड Y542 ये याद कर लो प्लीज क्योंकि वैसे ये बैच 22000 का है वैसे ये बैच 18000 का है पर आपका ये प्राइस रिड्यूस हो जाता है चार पांच हजार पे अगर आप ये कोड लगा लेते हो Y542 तो ये आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा Uh, में रोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो या हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे दिख जाएगा अच्छा आ, आ, इस पर मैं करके दिखाती हूँ आपको ऑनलाइन वेबसाइट से कैसे करते हैं अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना यहाँ टॉप पे देखो ऑल कोर्सेज लिखेगा आपको अरे इसको क्या हुआ हाँ हॉल कोर्सेज़ पे क्लिक करना है यूजीसी पे जाना आपको यहाँ जो है यूजीसी नेट दिख रहा होगा आज रात तक हम आपको डबल वैलिडिटी भी दे रहे हैं मतलब नॉर्मली इन बैचेस की वैलिडिटी वन ईयर रहती है अब आपको इसकी जो है वैलिडिटी वो दो सालों के लिए मिलेगी ये हम आपको बहुत अच्छा ऑप्शन जो है यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं नेट की दिक्कत है तो वीडियो बफर कर रही है एक मिनट वेट कर लेते हैं हाँ जी मैं डेफ़िनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कुछ सीरीज भी शुरू कर दूंगी अगर डेली वन आवर अच्छे से पढ़ूँ पढ़ाई करूंगा शिवराज वन आवर तो थो थोड़ा कम बोल रहे हो एटलीस्ट थ्री आवर्स तो पढ़ने की कोशिश करो ना बाबा तीन घंटा तो पढ़ने की कोशिश करो तीन महीना आपके पास तीन एक घंटा तीन घंटा भी पढ़ लोगे तो काफी है एक घंटा तो बहुत ही कम बोल रहे हो थोड़ा बढ़ा लो थोड़ा सा बढ़ा लो <coughs> अभी तो कोई नया बैच लॉन्च नहीं हो रहा रियासत। वैलिडिटी uh, का मतलब ये नहीं है कि नए बैच में आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी वैलिडिटी का मतलब है कि आप रिकॉर्डिंग्स तब तक जो है देख पाओगे। रिकॉर्डिंग्स जो है आप लोग तब तक देख पाओगे ठीक है क्या हो गया ये आज ये नेट चाहता नहीं है कि आप लोग जो है में एनरोल करने का प्रोसीजर देखें चलो कोई बात नहीं uh, इतना ध्यान रख लेना बस इतना ध्यान रख लेना कि जब अगर बैच में एनरोल करोगे तो कोड लगाना मत भूलना वाई उसी से डिस्काउंट मिलेगा उसी से आप ऑफर का फायदा उठा पाओगे वरना नहीं मिल पाएगा वो ठीक है ना तो ये देखो हमारे बैचेस यहाँ जैसे हैं मैं एक बार एनरोल करके आपको दिखाती हूँ ये आपका जो हमारा कॉम्बो बैच है स्टडी प्लान है ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व मंथ टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे क्लिक कर लेना बाय पे क्लिक करना यहाँ एंटर कूपन कोड कूपन कोड एंटर करने की जगह आएगी यहाँ पे कूपन कोड एंटर कर देना क्या है कूपन कोड वाई कूपन कोड क्या है वाई फाइव फोर टू ये देखो ये कोड लगाने के बाद ये कोर्स जो वैसे बाईस हजार का था ये आपको वेबसाइट पे दिख रहा है फाइव थाउजेंड रुपीज का विद डबल वैलिडिटी एप्लीकेशन पे डिस्काउंट ज्यादा है तो ये एप्लीकेशन पे आई थिंक फोर्टी सेवन हंड्रेड समथिंग का फोर्टी एट हंड्रेड समथिंग का पड़ता है ठीक है ना हां जी ऐप पे क्लास जो होती है वो मैं लैपटॉप से लेती हूँ वो डिजिटल बोर्ड पे मेरी यूट्यूब क्लास होती है और वहाँ पे जो है वो लैपटॉप पे होती है पर उसमें भी पेन वगैरह होता है ऑब्वियसली तो उसमें भी लिखना विखना तो ऐसे ही चलता है बस डिफरेंस ये यहाँ पे मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ वहाँ पे मैं चेयर पे बैठ के पढ़ाती हूँ हाँ जी चलो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं ये हमारा दो हजार का आखिरी आखिरी सेशन है ठीक है um, मेरे लिए बहुत खास रहा ये साल uh, क्योंकि मुझे मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का एक गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट जॉब छोड़ के एट अ कॉलेज वेर आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश आई लेफ्ट दैट जॉब आई टुक दैट लीव ऑफ फेथ एंड आई आई गॉट टू मीट द मोस्ट इंटरेस्टिंग ह्यूमन बींग्स इन यू गाइज And I can't tell you how happy and proud I feel to be able to work in this company and to have you know gotten to meet you guys it's been so wonderful and I I literally see like years and years of my life I see doing this I I love what I'm doing I, what I'm doing and I'm I love how I'm able to interact with you guys वैसे तो मुलाकात ही नहीं हो सकती पर इस जरिए से हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं बात कर सकते हैं दोस्ती बना लिए हमने तो आप सबको मैं हैप्पी हाँ न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ लाइक आई सेड नेक्स्ट ईयर इज द नंबर सेवन आई आई एम नंबर नंबर सो होप मेरा जो जो का लक है है वो आप लोगों तक पहुंचे और जून क्या फेबररी मार्च वाले में ही, नेट जे आर एफ आप लोग जो है निकाल लेंगे बस इसी कोशिश में रहेंगे और जल्दी से जल्दी फिर आपको नौकरी भी मिले आप लोग जो है अपने अपने ड्रीम कॉलेज में जो है जॉब में अपॉइंट भी हो जाए चलिए तो इसी गुड विश के साथ मैं दो हजार बाईस के इस आखिरी सेशन को कहना चाहती हूँ अलविदा एंड अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले साल यानी 2023 में चलिए सी ऑल टेक केयर बाय बाय